हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस इंडिया बिग ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं खुशीनगर जिला, जहां पर बुद्ध भगवान ने अपनी अंतिम सांस ली थी। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे होंगे, हम लोग आ गए हैं खुशीनगर जिला के बुद्ध भगवान मंदिर गेट पर। देखिए, यही है वेलकम लिखा है बुद्ध भगवान खुशीनगर। हम आप लोगों को अंदर चल के एक एक चीज़ दिखा रहे हैं और आपको उसके बारे में बता रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, हम आ गए बुद्ध भगवान मंदिर पे गेट के पास। देखिए, यहाँ पर ये भाई सब अपना अपना फ़ोटो ले रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ नेपाल, चीन और अन्य लोग देश से लोग यहाँ आते हैं। देखिए, यहाँ पर आज स्कूल के भी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ये भी छुट्टी का मौसम है, इसलिए ये भी आए हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस मंदिर के ऊपर मुकुट रखा है। देखिए, यहाँ पर सोने की मुकुट कहा जाता है। इस मंदिर के ऊपर सोने की मुकुट रखी गई है। और दोस्तों, जैसा कि हम बता दें, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। एक काफ़ी जाने माने महात्मा थे। और फ्रेंड, जैसा कि बता दें, इनको नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। पूजा अर्चना जो होता है बहुत ज़्यादा नेपाल के लोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कोई घंटा, कोई कुछ, यहाँ पर सब देखिए, सब मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत दूर दरार के लोग आते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, ये बहुत पुराना मंदिर माना जाता है और भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस इसी मंदिर पर आकर अपना लिए थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे अनेकों मूर्त यहाँ पर हैं। हम आप लोगों को एक एक करके दिखा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। इसीलिए कह रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग इस चैनल पर ला कर डालें और आप लोग उसका आनंद लें। हम बता दें, जो लोग आए होंगे यहाँ वो लोग तो ये देखे ही होंगे। जो लोग नहीं आए, उन लोगों के लिए देखिए हम दिखा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, अब छुट्टी का मौसम है, हम आप लोगों से पहले बता दिए हैं। यहाँ पर अनेकों लोग आए हैं और विद्यार्थी भी आए हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे सामने। और ये भी देखिए, सब हम आप लोगों को एक एक जूम करके दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए हम इसी तरह न्यू ब्लॉग लाएँ। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर झूला भी लगा है। और फ्रेंड देखिए, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ लगे हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोई सेल्फी ले रहा है, तो कुछ और हम आप लोग को बता दें फ्रेंड कि आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आप लोग कहीं नहीं गए हैं तो यहाँ आइएगा। एक खुशीनगर जिला के कस्या के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ एक बार आइए और दर्शन कीजिए और बुद्ध भगवान का दर्शन करके जाइए। यहाँ पर देखिए, सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में लोग आए हैं। यहाँ पर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी क्या क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चों भी आए हैं, स्कूल के टीचर भी आए हैं। यहाँ पर देखिए, सभी लोग स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए हैं टूर के लिए। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा एक बार। यह खुशीनगर जिला में पड़ता है। देखिए, ये सब मैडम हैं लोग, ये भी देखिए स्कूल के, देखिए ये सब। और अभी तक आप लोगों ने मंदिर देखा, लेकिन आप दोस्तों आप लोगों को हम ले चल रहे हैं वहाँ जहाँ पर बुद्ध भगवान ने अपनी अंतिम सांस लिए थे। तो बने रहिए वीडियो पर और हम आप लोगों को चलकर वहाँ का दर्शन दिखा रहे हैं कि बुद्ध भगवान ने अपनी अंतिम सांस कहाँ लिए थे और किस जगह पर लिए थे, वो सब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, हम चल रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कितना मात्रा में लोग यहाँ आए हैं, सब बुद्ध भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, यह सब ज़्यादा से ज़्यादा माता भी हैं यहाँ पर। देखिए, सब बैठी हैं लोग यहाँ पर। देखिए, इसी मंदिर के अंदर हैं बुद्ध भगवान अपने अंतिम सांस को लिए थे। तो हम चल रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं।
तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग गेट के अंदर आ गए हैं और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत आ सकती है कैमरा लेने में, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यही बुद्ध भगवान जहाँ पर अपनी अंतिम सांस लिए थे। हाँ दोस्तों, देखिए यहीं पर बुद्ध भगवान ने अपनी अंतिम सांस लिए थे। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक एक जूम करके। देखिए यहाँ पर कोई कुछ चढ़ा रहा है यहाँ पर, देखिए। और ये बताया जाता है कि यहाँ पर श्रीलंका के लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के साड़ी और व्हाइट कलर के टी शर्ट पहने हुए, ये सब बताया जाता है कि ये श्रीलंका के लोग हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी लोग आते हैं और इनको अपना भगवान मानते हैं। देखिए इनको अपना भगवान मानते हैं। और जिस तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हम आप लोगों को अगले वीडियो में और न्यू जगह की खोज कर रहे हैं, उस जगह पर जाएंगे और आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े और हम इसी तरह न्यू ब्लॉग आपको इस चैनल पर ला कर डालें और आप लोग देखें। तो इसीलिए कह रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को लाइक। और दोस्तों आप लोगों में से अगर किसी को भी पता है कि गौतम बुद्ध भगवान का नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा, तो आप कमेंट करके कमेंट में हमें बता सकते हैं। देखते हैं किनका किनका सवाल सही है, तो आप कमेंट करके बताइए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी पुराना दीवार दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए इस समय हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये देखिए पार्क है, लोग अपना अपना कुछ भी यहाँ से। बाहर जाना चाहिए। ओ ओ हिल गया, बजा दो बजा दो बजा दो।